हेलो फ्रेंड्स, यह मेरा विंडो गार्डन चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं आज आप लोगों को किचन वेस्ट से कंपोस्ट बनाना सिखाऊंगी। बड़ी ही आसानी से आप ये बना सकते हैं। बाहर आपको ये फेंकने की ज़रूरत नहीं, घर के किचन वेस्ट से ही आप अपने गार्डन के खुद के कंपोस्ट आसानी से बना सकते हैं। पहले मैं एक छोटे से पॉट से ही शुरुआत करूँगी। ये देखिए, मैंने एक पेंट का डब्बा लिया, छोटा ही है। उसमें मैंने चारों तरफ से ऐसे फूल बना लिया है, जैसे यार आते जाते रहेंगे। पहले लेयर में मैं कोकोपीट दूंगी। ये देखिए, ये है कोकोपीट, जो गार्डन के लिए आप लोगों के पास रहता ही है। अगर आपके पास कोकोपीट नहीं होगा, देखिए मैंने हल्का सा एक पतला सा लेयर दिया है, ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं। कोकोपीट अगर नहीं होगा तो आपके गार्डन के लिए जो कंपोस्ट खरीद के लाते हैं, वर्मी कंपोस्ट और काउडंग कंपोस्ट, कोई भी कंपोस्ट लेके जाते हैं, वो आप एक मुट लगा छिड़क दीजिए। बस अब मैं मेरा किचन के जो सब्जियों के छिलके और छिलके यह सब ले लेंगे। आप भूलकर भी प्लास्टिक एकदम मत डालिए, सिर्फ ये आपको डालना है। फलों के छिलके, सब्जियों के छिलके, आप अंडे के छिलके भी डाल सकते हैं। ऐसे ऐसे आप इसमें डाल दीजिए। इसके बाद आपको 3-4 दिन के बाद ऐसे कोई ऐसा के आगे पीछे ऊपर नीचे कर देना है। इससे क्या होगा, नीचे का जो सब्जी के छिलके सड़ने के लिए शुरू हो जाएंगे, वो ऊपर आ जाएगा और ऊपर का छिलका नीचे चला जाएगा। ऐसे आपको 3-4 दिन के बाद ही आपको करते रहना है। 20-25 दिन के बाद आप देखेंगे आपका आसानी से कंपोस्ट रेडी हो जाएगा। इसके ऊपर थोड़ा कोकोपीट के एक और हल्का सा एक लेयर आप ऐसे दे दीजिए। ऐसे किसी से आपको ढक के रख दीजिए। बस ऐसे रख दीजिए। हर दिन आपको जो मिलेगा किचन के वेस्ट, आप इसमें डालते रहिए और ढक के रख दीजिए। तो फ्रेंड्स, ये देखिए 2 महीने के बाद ये कंपोस्ट कैसा हुआ। देखिए, सब मिट्टी हो गया। मैंने और 3-4 बार इसमें मैंने सब्जी के छिलके दिए थे सब। मैं आपको इसे धूप में अभी रखा हूँ, तो ये मैं देख लीजिए कैसे बना है। थोड़ा नीचे तक गीला है, रहेगा थोड़ा गीला। नीचे तक गीला है, ये धूप में ड्राई होगा। फिर पहले ये धूप में ड्राई होगा, फिर मैं इसे चालने से चालूंगी। फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने कंपोस्ट को कैसे हाथ से ऐसे कर लिया। फिर मैं इसे ऐसे चाल के देखिए नीचे मैं आपको दिखाऊंगी इतने अच्छे से डिकम्पोज किया हुआ है। देखिए, मैं आप पूरा करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने ऐसे चाल के मोटा मोटा पार्ट्स को मैंने अलग कर लिया और मैं ऐसे इसमें रख दिया, जिसमें मैं थोड़ा ही निकला है। देखिए फ्रेंड्स, इतने सारे कंपोस्ट निकला है। तो इसे मैं नेक्स्ट जब कंपोस्ट बनाऊंगी तो मैं इसमें डाल दूंगी, तो ये फेंकूंगी नहीं। फ्रेंड्स, ये देखिए इतनी अच्छी सी
कलर देखिए कितना काला सा है, कितना अच्छे से डिकम्पोस्ट हुआ है ये, और कितने सारे कंपोस्ट आसानी से घर में आप ऐसे बना सकते हैं और अपने पौधों में आप डालिए। कोई इसमें बुरा गंध नहीं आ रहा इसमें, लेकिन बहुत ही अच्छे से ऐसे भुरभुरा मॉइस्ट सा आप ऐसे इसमें पैकेट करके आप रख दीजिए, आप जब पौधों में देना चाहेंगे दे सकते हैं और ऐसे ही मॉइस्ट रहता है। बाजार में भी जब आपको कंपोस्ट मिलेगा तो ऐसे ही मॉइस्ट सा रहेगा। तो ऐसे ही बनाइए फ्रेंड्स, घर में आसानी से किचन कंपोस्ट से आसानी से आप कंपोस्ट बना सकते, किचन वेस्ट से आप आसानी से घर में कंपोस्ट बना सकते हैं। तो ऐसे ही कीजिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।